हाय फ्रेंड, तो ये जो मदरबोर्ड है गीगाबाइट का है और इसका जो मॉडल नंबर है यहाँ पे देख सकते हो आप कि H110M-H। तो इसका जो प्रॉब्लम है ये पूरा डेड कंडीशन में है, आप लोगों को पूरा दिखाऊंगा। ठीक है, मैं यहाँ पे पावर लगा दिया और यहाँ पे भी पावर लगा दिया और अभी जो मैं इसका जो कार्ड है कार्ड को भी लगाऊंगा। तो यहाँ पे देखिएगा क्या आ रहा है इसमें। तो जब भी मैं इसको ऑन कर रहा हूँ देखिए यहाँ पे कितना आ रहा है, स्टैंड बाई वोल्टेज आ रहा है। ठीक है, लेकिन इसका जो ट्रिगर हो रहा है वो ट्रिगर नहीं हो रहा है। ठीक है, देखिए कोई भी ट्रिगर नहीं हो रहा है, ये इसका दिक्कत कि पूरा डेड कंडीशन में है। ठीक है, मैं अभी इसको पावर बंद कर दे रहा हूँ। और इसका जो मेन प्रॉब्लम है यहाँ पे, तो इसका जो 12 वोल्ट का सेक्शन है ये पूरा शॉर्ट है। ओके, तो वो भी आप लोगों के साथ चेक करके दिखाऊंगा। थोड़ा सा मैं यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ। तो इसका जो प्रॉब्लम है यहाँ पे, तो इसका जो 12 वोल्ट का सेक्शन है ये पूरा शॉर्टिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो, अभी देखिए ये पूरा चारों ही बीप कर रहा है। इसमें जो है दोनों बीप करना चाहिए, चारों बीप नहीं करना चाहिए। तो चारों बीप कर रहा है तो ये जो है ये कोर सेक्शन में शॉर्टिंग है। ठीक है, तो मैं सीपीयू को बाहर कर दे रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर सीपीयू शॉर्टिंग हो जाता है इस वजह से। तो अभी मैं इसको टेस्ट किया, टेस्ट देखिए पूरा अच्छी है, शॉर्टिंग है। तो पूरा टेस्ट करने के बाद मुझे जो प्रॉब्लम लग रहा है यहाँ पे, यह RA12। ठीक है, RA जो 12 है एक MOSFET, तो उसमें दिक्कत आ रहा है। तो उसके लिए आप लोगों को थोड़ा चेक करके भी दिखाऊंगा। तो क्यों कह रहा हूँ मैं, वो वाला जो है वो शॉर्ट है, वो वाला MOSFET। ठीक है, तो उसके लिए मैं जो करूँगा आपको, तो यहाँ पे जो डायरेक्ट मैं वोल्टेज को इनपुट करूँगा। ओके, तो गौर से देखिएगा और अगर मेरा चैनल पे नया है तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो लैपटॉप सीखने का अगर नया हो तो ये जो वीडियो है मेरा पूरा देखिए तो समझ में आ जाएगा कि क्या कर रहा हूँ और क्या ना कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं ग्राउंड दे दिया हूँ और अभी देखेंगे कि यहाँ पे मैं थिनर दे रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा पेस्ट दे रहा हूँ क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा थोड़ा, क्योंकि ये जो है ये 12 और इसको भी दोनों में हम पेस्ट लगा देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो अभी जब इसको मैं वोल्टेज इनपुट करूँगा तो ये पूरा फायर होगा। देखिए ये वाला जो है इस साइड में गर्म हो रहा है। ठीक है, ठीक है, धुआं निकल रहा है। तो आप लोगों को समझ में आ गया है कि दिक्कत जो है यहाँ पे दिक्कत है। तो इसको मैं रिमूव करूँगा और फिर देखूँगा कि क्या और क्या दिक्कत है क्या। ठीक है, तो अभी जो काम करूँगा इसको बाहर निकालूँगा। तो बाहर निकलने के जो कर यहाँ पर थोड़ा फ्लैक्स लगाएंगे और इसको पूरा बाहर कर दूँगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको जो करना है, आपका जो हॉट एयर है इसको थोड़ा सा गर्म करके इसको बाहर करना है। अगर ये बाहर करके ये वाला जो 4-pin ATX में अगर शॉर्ट हट जाता है तो मेन जो सक्सेस पॉइंट है ये ही है दिक्कत। तो इसको गर्म करके रिमूव करना है। तो अभी फ्लक्स लगेगा। Gracias.
ये सक्सेस माउस पे जो बोर्ड को ऑन करने नहीं दे रहा है, और एक बार फिर भी एक बार मैं चेक करके प्रॉब्लम जो है उसको श्योर हो जाऊंगा कि यही दिक्कत है। तो मैंने जो पहला काम है इसका जो ATX है चार बोर्ड मतलब फोर पिन का ATX, तो इसको मैं चेक करूंगा। पहले इसमें बीप करना है, इसमें बीप नहीं करना है, तो इसमें अभी भी बीप कर रहा है, तो अभी तक शॉर्टिंग है, ठीक है, तो अभी तक ये शॉर्ट है। तो एक बार ये मॉसफेट को मैं चेक कर लेता हूँ। देखिए ये मॉसफेट शॉर्ट नहीं कर रहा है, ये मॉसफेट शॉर्ट नहीं है, तो सक्सेस जो होगा यही शॉर्ट होगा, ठीक है। तो इसको मैं साइड में कर देता हूँ क्योंकि ये ज़्यादा गर्म हो रहा था, तो ये इसको मैं रिमूव करूँगा अभी, ठीक है। तो थोड़ा सा फ्लैश दे देंगे, अच्छा अच्छा फ्लैक्स होगा तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा कोई मॉसफेट वगैरह रिमूव करने में। ये मेन मॉसफेट है, वो तो सफलिंग मॉसफेट, ठीक है। तो बाहर करके पता चलेगा कि क्या दिक्कत आ रहा है। तो पहले मैं करूँगा ये जो मॉसफेट है मॉसफेट को मैं आगे चेक करूंगा कि यही सक्सेस प्रॉब्लम है क्या। देखिए ये जो है बीप कर रहा है, देखिए ये जो है बीप कर रहा है, तो 100% प्रॉब्लम जो है ये इस मॉसफेट में ही दिक्कत है, ठीक है। तो मेन मॉसफेट है, मेन मॉसफेट पे दिक्कत है, और सपोर्टिंग मॉसफेट ये ओके कंडीशन में है क्योंकि ये वैल्यू शो कर रहा है। और अभी देखेंगे ये जो 4PX ATX है इसमें शॉर्टिंग नहीं दिखाएगा क्योंकि मैंने प्रॉब्लम मिल गया है। देखिए अभी प्रॉब्लम्स तो अभी भी प्रॉब्लम दिखा रहा है, ठीक है। तो और क्या क्या गया है पता नहीं, तो प्रॉब्लम जो था यही पे प्रॉब्लम था क्योंकि वो वोल्टेज मोटर डिस्चार्ज किया, डिस्चार्ज करने के बाद ये शॉर्टिंग जो है शॉर्टिंग हट गया है, ठीक है। तो मेन जो सक्सेस प्रॉब्लम है ये है प्रॉब्लम, ठीक है, पूरा फुल शॉर्टिंग है, और ये जो बोर्ड है ये जो मॉसफेट है ये पूरा सही एम्पियर ले रहा है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत जो है ये इसको मैं रिप्लेस करूँगा अभी, और इसका नंबर जो है ये भी आप लोग दिखाऊंगा। तो नंबर मुझे सेम जो मॉसफेट है मुझे मिल गया है, और अभी जो करूँगा बोर्ड को लगाऊँगा अभी। तो ये खराब मतलब डैम है, शॉर्ट है, और ये जो मॉसफेट है ये सही है, ठीक है, ये सेम वैल्यू का है, सेम पार्ट नंबर का ही है। तो इसको जब यहाँ पे लगा दूँगा अभी लगाऊँगा फिर इसको लगाऊँगा, ठीक है। यहाँ पे मेन मॉसफेट लग गया है, और ये भी जो है लगाऊंगा इसको सपोर्टिंग मॉसफेट, ठीक है, तो सही से लगाना जरूरी है, अगर गलत हो गया था बोर्ड भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान से लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है, कोई भी गलत नहीं होना चाहिए। थोड़ा यार को कम कर देता हूँ, ये
सही से लगा दिया तो टाफ था क्योंकि जगह जो है यहाँ पे शॉर्टेज था, ठीक है थोड़ा सा जगह सही से बैठा नहीं, तो एक बार सही से बैठा दूंगा। तो थोड़ा सा लग रहा है कि ये लीकेज बैठता है ना, थोड़ा थोड़ा दिक्कत हो जाता है। ये बड़ा कॉम्पोस अभी जो है सही से बैठ गया है, थोड़ा ठंडा होने देंगे फिर देखेंगे कि आप हाल चाल है इस बोर्ड में, ठीक है। तो नॉर्मली जो है बोर्ड प्रॉपर तरीके से बैठ गया है, ठीक है, तो थोड़ा सा क्लीन कर देंगे अभी, तो सही तरीके से क्लीन नहीं होगा तो बात नहीं बनेगा, ठीक ना। देखिए कैसे गर्म हो रहा है, टपक टपक। तो कितना टेम्परेचर हो गया तो पता चल गया। तो अभी तक गर्म ही है बोर्ड, कॉइल जो है अभी तक गर्म है। आ गया, ठीक है। तो इसका जो प्रॉब्लम था आप लोगों को पूरा डिटेल्स आप लोगों को दिखाता हूँ कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोर आईसी जो है PWM IC, तो उसको मैं यहाँ पे रिप्लेस किया है, ये है 95598, ठीक है। इसका जो पार्ट नंबर आईसी का नंबर 95858, इसका PWM IC, ठीक है। तो अभी जो है इसको मैं रिस्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए रिस्टार्ट कर रहा हूँ और कोडिंग भी सही ले रहा है, ठीक है। और बोर्ड जो है पूरा रेडी बन गया है, देखिए आप कहाँ पे क्या काम किया है वो भी आप लोगों को दिखाऊंगा। यहाँ पे मेन मॉसफेट चेंज किया, ठीक है, यहाँ पे भी एक मेन मॉसफेट चेंज किया, ठीक है। और यहाँ पे देखिए PWM IC है, इसको भी रिप्लेस किया, ठीक है। थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो डस्ट वगैरह लिक्विड वगैरह लगा है, तो अभी तक क्लीन नहीं किया, तो मैं अभी ताज़ा आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ इसलिए। तो अगर मतलब कोर सेक्शन में अगर दिक्कत आ रहा है, कोई पावर मॉस्फेट में अगर दिक्कत है, शॉर्टिंग हो रहा है, तो पहले जो आपको चेक करना है PWM IC है उसको चेक करना है या रिप्लेस करना है, ठीक है। तो मैंने जो किया ये दोनों पावर जो मॉस्फेट है दोनों को चेंज किया और PWM IC जो है इसको मैं रिप्लेस किया और बोर्ड रेडी हो गए, ठीक है। यहाँ पे कोडिंग भी देख रहे हो, कोडिंग जो है यहाँ पे सही ले रहा है, कोई कोडिंग का दिक्कत नहीं है। और पहले अगर रिस्टार्ट करके दिखाता हूँ आप लोगों को, देखिए पीछे रिस्टार्ट किया और यहाँ पे डिस्प्ले चला गया है, देखिए डिस्प्ले भी आ गया है। तो बोर्ड जो है सक्सेसफुल टिक गया। अगर मेरे चैनल पे नया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर सब्सक्राइब किया है तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। वॉचिंग करने का धन्यवाद, आपका दिन से हो, जय हिंद, टेक केयर।